वेलकम बैक दोस्तों, इस वक्त मैं हॉलैंड के अंदर एक गांव में मौजूद हूं। ये एम्स्टर्डम से तकरीबन 3 घंटे का सफ़र करके मैं आया हूं यहां पे। जैसे कि पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको ट्रेन का यहां का सफ़र दिखाया था और ट्रेन के सिस्टम का बताया था कि कैसे यहां पे काम होता है, तो अभी मैं एक गाँव आया हूँ। ये बाइलन एक जगह है और एम्स्टर्डम से अराउंड 3 घंटे दूर है ये, तो यहाँ मैं आया हूँ। यहाँ पर बड़े खूबसूरत छोटे छोटे घर बने हुए हैं, पूरा आप ये देख सकते हैं बैकग्राउंड में, और बिल्कुल सुकून वाला माहौल है, बहुत ज़्यादा मतलब शांति है यहाँ पे। और गांव की लाइफ को ज़रा चेक करने के लिए मैं यहाँ आया था। मैंने सुना था कि नॉर्वे, हॉलैंड और स्विट्ज़रलैंड वगैरह में गांव बहुत खूबसूरत होते हैं, बहुत अच्छी लाइफ होती है वहाँ पे, तो उसी सिलसिले में यहाँ की जब मैंने देखा है हकीकत में, तो वाकई यार यहाँ पर बहुत ज़्यादा सुकून है, अच्छी लाइफ है और ख़ामोशी है और छोटे छोटे घर बने हुए, अच्छे घर है, छोटे भी नहीं, अब नहीं कह सकते, बड़े बड़े घर है। उसके घर के पास जो है ना लॉन वगैरह भी होता है, गार्डन भी होता है, अंदर घर भी मैंने चेक की है, घर भी बड़े होते हैं। और एक घर मैं भी मज़ीद करीब से भी आपको घर दिखाऊंगा। और यहाँ पे फिर जितने भी इस गाँव के अंदर जो है ना जगह जगह पर शॉप्स भी बने हैं, सुपर मार्केट्स, वहाँ पर लोग जाके यहाँ की जो रेजिडेंस है वो जाके सामान वगैरह ले आते हैं डेली यूज़ करने के लिए जो होता है। बाकी लोगों के पास गाड़ियाँ भी है। और सबसे जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि इस गांव के अंदर हर वो सहूलत मौजूद है जो आपको किसी भी बड़े शहर के अंदर मिलेगी। मिसाल के तौर पे एम्स्टर्डम से मैं आया हूँ तो वहाँ पे जो सहूलत है वो यहाँ पे इन कंट्रीज़ में गांव में भी अवेलेबल होती है। और उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है कि इसके बहुत करीब, इस गाँव के बहुत करीब से ट्रेन गुजरती है, यानी ट्रेन में आप एम्स्टर्डम से सीधा यहाँ आ सकते हैं। बाकी मैं यहाँ पर आपको मज़ीद दिखाता हूँ। ये देखो कैद भी आपको नज़र आ रहे हैं इस साइड पर, यानी गांव में यही होता है ना कि खेत वगैरह भी होते हैं, खाली जगहें होती है, जंगल होता है, वो सारा कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप उन घरों को देखें तो किसी भी मॉडर्न जो स्ट्रक्चर होता है या जो घर होते हैं उससे कम नहीं है। भाई अभी यहाँ पे मैं इस गांव के अंदर जो है चल रहा हूँ, वॉक कर रहा हूँ, और यहाँ पे बर्फ़बारी स्टार्ट हो गई है हल्की हल्की, तो मौसम बहुत शदीद है और ये अप्रैल का महीना है, ये याद रखे जहन में। लेकिन जो इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाला हूँ आपको ये है कि भाई जान ये गांव है और इस गांव के अंदर आप ये देखिए इतने बड़े बड़े शॉप्स, सामने शॉप आपको नज़र आ रही है ये फर्नीचर की है, और यहाँ पर बड़े बड़े सुपर मार्केट्स भी है। और कहने का मकसद ये कि यार एक लग्जरी टाइप की जो वहाँ पे हम बड़े बड़े शहरों में देखते हैं जो सुपर स्टोर होते हैं वो यहाँ पे गांव के अंदर मौजूद है। और एक गांव का सुपर स्टोर अभी आपको हम दिखाने वाले हैं थोड़ी देर में। ये शॉप है, बहुत बड़ा स्टोर है यहाँ पे, मतलब है कि हॉलैंड के गांव के अंदर आप इसके अंदर घर के लिए जो भी सामान चाहिए होता है A to Z वो सारा आपको यहाँ पे मिलेगा, किलो से लेके, मतलब है कि ये आप बिजली के सामान से लेके हर चीज़, फ्रिज और जूसर और ये टुटके वगैरह सारी चीज़ें,
एक ही जगह पे आपको मिलेंगे। ये इसमें खाने पीने का कोई कुछ नहीं है, बाकी सिर्फ घर का सारा सामान यहाँ पे अवेलेबल है। खाने पीने के लिए भी यहाँ पे अलग सुपरमार्केट है। चलते चलते हम यहाँ मेन रोड के ऊपर आए हैं। यहाँ पे ट्रेन स्टेशन भी है इस गांव से, डायरेक्टली आप एम्स्टरडेम भी जा सकते हैं या दूसरे किसी शहर जाना हो। लेकिन एक और मज़े की चीज़ यहाँ पे नज़र आई है कि यहाँ पे आप साइकिल्स देख रही है, साइकिल्स की पार्किंग है पूरी। और यहाँ पे यार 1000 से ऊपर ही साइकिल्स होंगे जो यहाँ पे सारे लोगों ने पार्क की है। और जैसे कि आपको पता है, हॉलैंड मशहूर है साइकिलिंग के हवाले से, यानी लोग साइकिल्स को प्रेफर करते हैं ट्रेवल करने के लिए। तो ये यहाँ की जो करीब करीब गांव है, वहाँ के लोगों की साइकिलें यहाँ खड़ी हुई है। अभी आप सोच रहे होंगे कि मैं एक बड़े शहर के अंदर जो है चल रहा हूँ, क्योंकि लगता है ऐसे। यहाँ पे जो आप शॉपिंग मॉल्स देख रहे हैं मेरे बैकग्राउंड में, और जो बड़े बड़े ब्रांड्स देख रहे हैं, ये बिल्कुल एक मंज़र पेश कर रहा है एक शहर का, बड़े शहर का। लेकिन ये मेरे भाई शहर नहीं है, ये जो गांव में अभी मैं चल के आ रहा था और आपके साथ शेयर कर रहा था, तो ये उसी गांव का बाज़ार है। तो आप सोचे कि ये बाज़ार जो है कैसे हो सकता है एक गांव का, लेकिन इसका मैं आपको एंड में बताऊंगा कि क्यों एक गाँव है और क्यों इसके अंदर इतना बड़ा बाज़ार भी है, सारा कुछ है, हर सहूलत यहाँ पर अवेलेबल है, लेकिन फिर भी इसको गाँव क्यों कहा जाता है हॉलैंड में, एंड में बताता हूँ आपको। भाईजान, इस गांव में मैं घूम घूम के ना काफ़ी मैंने इसमें वॉक किया है, तो मुझे तो हैरत हो रही है कि किस तरह यहां का निज़ाम है, यानी कि यहां पे जो सहूलियात है, जो चीज़ें हैं, उससे तो ये बिल्कुल भी गांव नहीं लग रहा, एक शहर लग रहा है। लेकिन यहां की हुकूमत के हिसाब से ये गांव है। तो मैंने कहा ये आपको दिखा दूँ। अभी मैं आपको एक घर में जहाँ पर मैं रुका हुआ हूँ, उस घर वो घर अंदर से दिखाता हूँ कि वो घर कैसे दिखता है और यहाँ पर घर कैसे होता है जनरली। तो सबसे पहले तो ये घर का के बाहर का एरिया है, ये देखिए। इस तरह के हर घर के पास ये गार्डन होते हैं, मतलब बाहर एक बागीचा टाइप होता है। दिस इज किचन इन दिस हाउस एंड दिस इज सिटिंग रूम। अजान ये है गांव का सिटिंग रूम, दिस वन एंड दिस इज द टेबल, लुक एट दिस। यहाँ पे गांव के लोग खाना खाते हैं। और अभी इस घर के साथ आपको इसका गार्डन दिखाता हूं कि कैसा गार्डन है भैया। ये इस घर का गार्डन है, छोटा सा है लेकिन बहुत खूबसूरत है। भाई साहब, ये गांव के अंदर जो घर है ना, इसमें इस तरह का नाश्ता भी होता है। देखें, पाकिस्तानी नाश्ता, प्योर ट्रेडिशनल। तो ये था जनाब सारा एक विलेज लाइफ, और यहाँ पे विलेज कैसे दिखता है ये नीदरलैंड के अंदर। तो बेसिकली टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे तो नहीं लगा कि ये विलेज है, मुझे तो पूरा शहर लगा। लेकिन यहाँ के लोग और हुकूमत के हिसाब से ये विलेज होता है। लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ पर हर किस्म की
फैसिलिटीज़ अवेलेबल है जो शहर में होती है, और यहाँ की लाइफ बहुत ज़्यादा पुरसकून और चिल आउट है। तो लोगों से भी जो मैं मिला हूँ, जिन जिन से मैंने पूछा है, उनको यहाँ बहुत अच्छा फील होता है, और लाइफ यहाँ की लाइफ ज़्यादातर लोगों को पसंद है, क्योंकि शहर में जो है ज़्यादा शोर शराबा होता है, और शहर जो है एक्सपेंसिव भी होता है हर लिहाज से, खासकर अकोमोडेशन की लिहाज से। तो अभी जो आगे है, मैं जाऊँगा यूरोपियन कंट्रीज़, तो कोशिश करूँगा कि स्विट्ज़रलैंड वगैरह और दूसरे जहाँ भी अच्छे विलेजेस है वो भी आपको दिखा दूँ साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।